हेलो दोस्तों, अभी तक हमने मैथ के वीडियोस में शब्दों से अंकों में बदलना, अंकों से शब्दों में बदलना, स्थानीय मान, वास्तविक मान, ये सब पढ़ा था। ये भी पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। आज हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार, जिसमें हम पांच तरीके के प्रकार इस वीडियो में पढ़ेंगे और आगे मैं आपको सभी तरीके के प्रकार बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक एवं धन पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये क्या होती हैं। इनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा, भले क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि कुछ संख्याएं दे दी जाए आपको और उनमें से पूछा जाए कौन सी संख्या पूर्णांक है, कौन सी परिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक एवं धन पूर्णांक संख्याएं। तो प्राकृतिक एवं धन पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें हम वस्तुओं की गणना करते हैं। प्राकृतिक या धन पूर्णांक संख्याएं, ये संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं। चाहे हमें लोगों को गिनना हो, चाहे हमें किसी वस्तु को गिनना हो, तो हम गणना के लिए कौन सी संख्याएं यूज करते हैं? 1, 2, 3, 4, ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4 इत्यादि। कभी भी प्राकृतिक संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं में जीरो नहीं आता है, जीरो नहीं आता है, और ना ही कोई नकारात्मक संख्या आती है, जैसे -1, -2, -3। तो इस तरीके की कोई भी निगेटिव नंबर या कोई भी नकारात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या और धन पूर्णांक संख्याओं में नहीं गिनी जाती है। केवल पॉजिटिव नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए जिनसे हम किसी चीज़ की गणना करते हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं इनमें जीरो भी सम्मिलित होता है। पूर्ण संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं या हम इन्हें धन पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। इनमें जीरो सम्मिलित किया जाता है, जीरो सम्मिलित होता है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में भी हम नेगेटिव नंबर्स को नहीं लेते। तो पूर्ण संख्याएं हमारी कौन कौन सी होंगी? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, लेकिन इसमें भी हम कोई नेगेटिव नंबर नहीं लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें इनमें एक और चीज़ याद रखनी है, जैसे प्राकृतिक और धन पूर्णांक संख्याएं हैं इसमें केवल पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं, निगेटिव नंबर्स नहीं आते। इसी तरीके से इनमें कोई भी परिमेय संख्या भी नहीं आती है, जैसे 1/2, 3/2 इस तरीके का भी कोई संख्या नहीं आती है। ऐसे ही पूर्ण संख्याओं में भी इसमें जीरो सम्मिलित हो जाता है और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जैसे निगेटिव नंबर्स नहीं आते वैसे ही इसमें भी परिमेय संख्याएं नहीं आती हैं। अब हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, ये तीनों टाइप आते हैं। जैसे इनको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। धनात्मक में हमारा +1, +2, +3, या हम सिंपली कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, या फिर -1, -2, -3 और जीरो। तो पूर्णांक की संख्याएं इस सभी होती हैं, +1, -1, 0, लेकिन हाँ इसमें भी हम परिमेय संख्याओं को नहीं लिखते हैं। अब हम बात करते हैं परिमेय, अब हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं में को हम PYQ के फॉर्म में लिखते हैं, PYQ। जैसे कि मान लीजिए 1/2, तो इसमें P क्या हो गया? 1, Q क्या हो गया? 2। जैसे 3/2, इसमें P क्या हो गया? 3, और क्यू क्या हो गया? 2। तो ऐसी संख्याएं जो PYQ के फॉर्म में लिखी जाती हैं, जैसे या हम कह सकते हैं P/Q के तरीके से लिखी जाती हैं, जैसे 1/2, 3/2, इस तरीके की संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं।
इसमें एक चीज याद रखने वाली है, पी और क्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो क्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, इस बात को ध्यान रखना है कि इसमें क्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और कोई भी नंबर हो सकता है पॉजिटिव या निगेटिव, लेकिन क्यू कभी जीरो नहीं होगा। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √5, √15, √20, इस तरीके की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसमें कुछ ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें से आपसे वो पूछ सकते हैं कि इनमें कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सा पूर्णांक है, कौन सी धन पूर्णांक है। दोस्तों, आगे के वीडियो में मैं आपको संख्याओं के और भी प्रकार बचे हुए हैं, मैं उन आगे के वीडियो में आपको वो दूंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, अगर कोई भी वीडियो छूट गया है तो आप YouTube पे जाके पूर्णिमा द्विवेदी यूपी टेट करके सर्च कर सकते हैं, तो आपको हमारे सभी वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।